हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हाँ जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के? आज हम कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड टॉपिक, नॉलेज से रिलेटेड टॉपिक कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम एक जनरल बात डिस्कस करेंगे जो हम कई बार फेस करते हैं। यंगस्टर्स जो होते हैं, ज़्यादातर यंगस्टर्स जो लोग होते हैं, वो ज़्यादातर ये क्वेश्चन फेस करते हैं, सर हाउ टू बी मेच्योर, मेच्योर कैसे बना जाए, अपने अंदर मेच्योरिटी कैसे लाएं। जनरली जो हमारे सीनियर्स होते हैं वो हमें बोलते हैं कि भैया मेच्योर बनो, पेरेंट्स बोलते हैं कि भैया मेच्योर बनो। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, इन अ ग्रुप ऑफ पीपल, काफी लोगों का ग्रुप था, उसमें मैं बैठा हुआ था और मैंने एक बहुत ही अच्छा जोक क्रैक किया। ठीक है, वो जोक से सबको हंसी आई, बट पीछे ही मेरे सीनियर खड़े थे, उन्होंने क्या बोला, हंस तो वो भी लिए बट बाद में वो कहते हैं कि अब आप बड़े हो गए हो, ट्राई टू बी मेच्योर, मेच्योर बनो। अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन कटक गया, मैंने कहा यार मैच्योर बनूं कैसे, मैच्योर बने? बच्चे ये जो क्वेश्चन है इसका कोई आंसर ही नहीं है, पहली चीज तो ये ध्यान रख लेना, इसका कोई आंसर नहीं है कि कैसे मैच्योर बना जाए। मैच्योरिटी एज के साथ आती है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको मैच्योरिटी आती चली जाएगी। आप 26 साल के हैं, 27 साल के हैं, आप एक्सपेक्ट करें कि आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी आ जाएगी आप एक 40-45 साल के इंसान के साथ उनकी उसकी थॉट्स के हिसाब से बात कर ले, 30-35 साल वाले इंसान के साथ उसकी थॉट्स के हिसाब से बात कर ले, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपकी एज कम है, आपके अंदर मैं ये नहीं कह रहा कि मेच्योरिटी नहीं है, बट आपकी और आपसे बड़ी एज वाले पर्सन की थॉट्स में फर्क होता है, ये थॉट प्रोसेस का गेम होता है। तो मेच्योरिटी हमेशा हमेशा उम्र के साथ आती है, एज के साथ आती है, बट फिर भी कुछ बातें हैं जो हम डिस्कस करेंगे अबाउट मेच्योरिटी कि सर मेच्योरिटी कैसा है। अब अगर 26-27 साल के और आप बिहेव कर रहे हैं बिल्कुल 15 साल के बच्चे के हिसाब से, तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी इमेच्योरिटी। तो कुछ जो बातें मैंने देखी हैं या मैंने ऑब्जर्व करी हैं या मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, वो ये कहता है कि ये चार बातें जो मैं अभी आपको बताऊंगा, अगर आप इन चार बातों पर बड़ी अच्छे से ध्यान देंगे तो यू विल बी कॉल्ड एज अ मेच्योर पर्सन। सबसे पहली चीज, स्टॉप ओवर रिएक्टिंग, ओवर रिएक्ट करना छोड़ दीजिए। कोई भी सिचुएशन आई, अगर आपको गुस्सा आ गया किसी चीज पे और आपने कर दिया ओवर रिएक्टिंग, आपने क्या कर दिया, ओवर रिएक्ट कर दिया, यू स्टार्टेड येलिंग, चिल्लाना शुरू कर दिया, गुस्से में इधर उधर चीजें फेंकना शुरू कर दिया, तो ये क्या शो कर रही है? ये आपकी इमेच्योरिटी शो कर रही है। आप पेरेंट्स हैं, अगर आपके बच्चों से गलती हो जाए उनपे ओवर रिएक्ट मत कीजिए, उनपे चिल्लाइए मत, उनको डराइए धमकाइए मत, बल्कि उनको प्यार से समझाइए कि बच्चे ऐसे नहीं करते, उस जो गलती उससे करी है उसके नुकसान उसे बता दीजिए। कि फॉर एग्जाम्पल कोई चीज बच्चे ने तोड़ दी, उसको बोलिए कि बच्चे मेहनत से कमाई जा रही है चीज जिसको आप ब्रेक कर रहे हो, जिसको आपने तोड़ दिया, अगर आप अर्न करके कमाओगे तो आपको पता लगेगा। तो बच्चे के अंदर क्या आ रही है, समझदारी आ रही है, वो ध्यान से सुन रहा है। बट रिवर्स केस क्या होता है, जनरली लोग क्या करते हैं, बुलाया बच्चों को, लगा दिए 2 थप्पड़, चिल्लाना शुरू कर दिया उसके ऊपर, वो क्या शो कर रहा है, वो इमेच्योरिटी शो कर रहा है कि आप बच्चे को समझा रहे हैं पहले खुद तो मेच्योर बन जाइए। ये तो पेरेंट्स की बात आ गई। बींग अ हस्बैंड या बींग अ वाइफ, आपके पार्टनर से कोई गलती होगी, आप उस पर ओवर रिएक्ट करना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया, बिल्कुल गलत चीज है। गलती आपसे भी हो सकती है, किसी से भी गलती हो सकती है। बींग अ बॉस, आप अपने एम्प्लॉय पे चिल्लाना शुरू कर दीजिए, वो भी गलत है, क्योंकि जो बॉस है वो भी कभी एम्प्लॉय हुआ करता था, उससे भी गलती हुई होंगी। तो बिहेव लाइक अ मेच्योर पर्सन, ऐसे ही आपका बिहेवियर चेंज होएगा। सबसे पहली चीज क्या, स्टॉप ओवर रिएक्टिंग। दूसरी चीज, डोंट थिंक टू मच अबाउट योर अपीयरेंस, अपनी अपीयरेंस के बारे में ज्यादा मत सोचिए कि हम कैसे दिख रहे हैं, हमने कैसे कपड़े पहने हैं, हमारे लुक्स कैसी हैं, हमारा हेयर स्टाइल कैसा है, हमारा कॉम्प्लेक्शन कैसा है, तो इस चीज के बारे में ज्यादा मत सोचिए। हाँ, थोड़ी बहुत चीजें मैटर करती हैं अपीयरेंस के बारे में कि कैसे हमें अपीयर करके चलना है, कहीं भी हम जा रहे हैं तो उसके हिसाब से अपने आप को ड्रेसअप करना है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं, आप किसी क्लाइंट के साथ अपनी मीटिंग में जा रहे हैं, तो आपको एक प्रोफेशनल मैनर में बन के जाना पड़ेगा। अगर आप एक रिलीजियस फंक्शन में जाने हैं तो आपको उसके हिसाब से बन के जाना पड़ेगा।
इसका मतलब ये नहीं कि आप एक अपने ज्यादा मनी, अपना टाइम, अपने पैसा अच्छे अच्छे महंगे महंगे क्लोथ्स में इन्वेस्ट कर दीजिए, जी नहीं। यू कैन बाय चीप क्लोथ्स, आप नॉर्मल क्लोथ्स खरीद लिए, सस्ते क्लोथ्स खरीद लिए, बट उसको कैसे तरीके से पहना जाए वो आपको पता होना चाहिए। तो डोंट थिंक टू मच अबाउट योर अपियरेंस, अपनी अपियरेंस के बारे में मत सोचिए, क्योंकि हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता। अगर सारे ही ब्यूटीफुल हो जाएंगे, सारे ही हैंडसम हो जाएंगे, तो ऋतिक रोशन किस काम का, प्रियंका चोपड़ा किस काम की, ये जो फिल्म स्टार्स हैं, इनका तो मेन काम क्या होता है, इनको अपनी अपीयरेंस पे ही इन्वेस्ट करना है। बट आप देखिए कि आपका मेन काम क्या है, आप उस पर इन्वेस्ट कीजिए, अपना मनी भी, अपनी टाइम भी। ये चीज अगर आपने कर ली, अगर आपने अपनी अपीयरेंस के बारे में सोचना कम कर दिया, मैं बंद नहीं कह रहा, सोचना पड़ेगा अपीयरेंस के बारे में, बट कम कर दिया सोचना, तो आपके अंदर क्या आ जाएगी, मैच्योरिटी आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, स्टॉप बींग डिफेंसिव। स्टॉप बींग डिफेंसिव का मतलब अपनी बात को ऊपर रखना, उसे बोलते हैं डिफेंसिव। आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक हस्बैंड वाइफ है, एक हस्बैंड वाइफ आपस में क्या कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। अब वाइफ ने कुछ बात बोली, बट हस्बैंड इतना एरोगेंट है, इतना एरोगेंट है कि वो वाइफ की बात सुन ही नहीं रहा, एंड वाइस वर्सा, कि वाइफ इतनी एरोगेंट है कि वो अपने हस्बैंड की, भाई हस्बैंड की बात सुन ही नहीं रही। उसे बोलते हैं डिफेंड करना, अगर गलत बात भी है तो फिर भी वो उसको बोले जा रहा है या बोले जा रही है। स्टार्ट लिसनिंग टू एवरीबडी, जो भी किसी के साथ आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, पहले उसकी पूरी बात सुन लीजिए कि वो क्या कह रहा है, भले ही वो गलत क्यों ना कह रहा हो, बट पहले उसकी पूरी बात को सुन लीजिए कि सामने वाला पर्सन क्या कह रहा है। अगर आपको गलत लगती है तो उसको प्यार से बताइए कि भैया आप ये जो चीज कह रहे हैं, मेरे ओपिनियन में, आपके वर्ड्स यही होने चाहिए कि इन माय ओपिनियन ये चीज ठीक नहीं है, क्योंकि ओपिनियन सबका बच्चे अलग होता है, ओपिनियन सेम नहीं होता, और सबके पास राइट है अपना ओपिनियन रखने का, अपनी बात बोलने का। बट इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को दबाया जाए, किसी को दबाकर वो चीज बोली जाए, वो चीज गलत होती है, वो इमेच्योरिटी शो करती है। अगर आपने लोगों की सुनना शुरू कर दिया, अगर आपने लोगों की सुनना शुरू कर दिया, तो वो आपका एक क्या बोलेगा, इंटेलेक्चुअल माइंड शो करेगा, आपकी मेच्योरिटी शो करेगी। अब मान लीजिए आपके अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज है, फॉर एग्जाम्पल आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे पास अपने एरिया की बहुत अच्छी नॉलेज है, वास्ट नॉलेज है, बट मैं हर जगह वो नॉलेज निकालने लग जाऊं, वो हर जगह मैं वो नॉलेज निकालने लग जाऊं, वो चीज गलत है। वरना पर्सन को क्या लगेगा कि दिस पर्सन इज वेरी शो ऑफ पर्सन, बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रहा है। जहां जरूरत हो वहां अपनी नॉलेज शेयर कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपके जूनियर्स बैठे हैं, वो पूछ रहे हैं कि भैया सीए के बारे में कुछ बता दीजिए, इनकम टैक्स के बारे में कुछ बता दीजिए। कोई आपकी फैमिली में बिजनेस पर्सन है, वो टैक्स लॉस के बारे में जानना चाहता है, वो फॉर एग्जाम्पल नई नई अपडेट्स के बारे में जानना चाहता है, उसको बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अननेसेसरी अगर आप किसी के ऊपर चीजें बोलते चले जाएंगे और वो इंटरेस्टेड भी नहीं है, तो वो चीज क्या शो करेगी, शो ऑफ है, और वो इमेच्योरिटी ही शो करती है, वो कोई मेच्योर बिहेवियर नहीं होता। लास्ट जो चीज मैंने देखी है, लोग क्या करते हैं, कंप्लेंट करना शुरू कर देते हैं। तो अवॉइड कंप्लेनिंग, किसकी कंप्लेंट, कि अपने सीनियर्स की कंप्लेंट कि हमारे सीनियर ऐसे बोलते हैं, हमारे सीनियर वैसे बोलते हैं, अपने पेरेंट्स की कंप्लेंट कि हमारे पेरेंट्स तो हॉरिबल है, अपने टीचर्स की कंप्लेंट, गवर्नमेंट की कंप्लेंट, सब चीजों की कंप्लेंट, अपने पार्टनर की, सबकी कंप्लेंट कर, बॉस की कंप्लेंट करनी शुरू कर देंगे कि वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है। ये चीज क्या शो करे, ये बच्चे इमेच्योरिटी ही शो करती है। तो अवॉइड कंप्लेनिंग एनीबडी, आपको कोई राइट नहीं है किसी के बारे में गलत बोलने का, क्योंकि अगर आप किसी को कंप्लेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने बॉस की कंप्लेंट करनी शुरू कर दी, मेरा बॉस मुझे ऐसे बोलता है, मेरा बॉस मुझे वैसे बोलता है, तो वो चीज गलत है। अगर आपको आपका बॉस कुछ बोल भी रहा है, तो वो आपके फायदे के लिए ही बोल रहा होगा। अगर आपके पेरेंट्स आपको डांट रहे हैं, तो वो आपके फायदे के लिए ही आपको डांट रहे हैं, क्योंकि कोई भी पर्सन किसी का भी बुरा नहीं चाहता। अगर कोई पर्सन आपस में जुड़े होते हैं, जैसे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, पेरेंट्स और बच्चे, वो क्या होता है, आपस में उनका बहुत ज्यादा स्ट्रांग रिलेशनशिप होता है, तो अगर वो किसी को कुछ बोलेंगे या समझाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, वो उसके फायदे के लिए ही उसे कुछ बोलेंगे। तो वो चीजें आपको एडॉप्ट करनी पड़ेगी, एडजस्ट करना आना चाहिए माहौल के हिसाब से, कि कैसा एटमॉस्फेयर है, कैसा माहौल है, उसके हिसाब से हम अपने आप को क्या कर लें जी, एडजस्ट कर लें।
और ये चीज अगर आप में आ गई तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, मैच्योरिटी। ठीक है जी, तो हमने क्या देखा, मेच्योर बनने का बच्चा कोई आंसर नहीं है कि कैसे मेच्योर बना जाए, एज के साथ मेच्योरिटी आती है, सबसे पहली चीज को ये ध्यान रख लीजिए। बट ये चार चीजें जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, स्टॉप ओवर रिएक्टिंग, ओवर रिएक्टिंग नहीं करनी, स्टॉप थिंकिंग अबाउट योर अपीयरेंस, ज्यादा अपने अपीयरेंस के बारे में नहीं सोचना हमें, स्टॉप बींग डिफेंसिव, अपनी आपको किसी को दबाकर अपनी बात रखना वो चीज गलत है, और अवॉइड कंप्लेनिंग, ज्यादा अननेसेसरी कंप्लेंट करना भी क्या है, गलत है। अब मेच्योर होने का पर्सन, कुछ लोगों के माइंड में थॉट्स होती है कि मेच्योर हो जाओ मतलब सीरियस हो जाओ, शांत हो जाओ, तो क्या वो चीज ठीक है? कोई नहीं कहता ऐसा। अगर आप सीरियस रहोगे, चुप रहोगे, शांत रहोगे, यू विल कॉल्ड एज अ बोरिंग पर्सन। अब मैं हूं, मैं एट अ टाइम्स सीरियस नहीं रहता, हंसी मजाक करता रहता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर मेच्योरिटी नहीं है। किसी को हंसाना इमेच्योरिटी शो नहीं करती, दिस इज कॉल्ड अ गुड हैबिट। उल्टा ये सबसे ज्यादा मैच्योरिटी शो करती है कि आपके अंदर इतनी क्वालिटीज हैं कि आप किसी को हंसा सकते हैं, अपने सामने वाले पर्सन को क्या रख सकते हैं, खुश रख सकते हैं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ मैच्योर थिंकिंग। बट हाँ, सिचुएशन के हिसाब से सारी चीजें होनी चाहिए। अब मान लो जे कहीं पर ही कोई सीरियस मैटर चल रहा है, वहां पर आपने जोक क्रैक कर दिया, वो मैच्योरिटी इमेच्योरिटी के लिए। बट अब सब बैठे हुए हैं नॉर्मल एटमोसफेयर, वहां पर अगर आप हंसी मजाक कर रहे हैं तो दिस इज नॉट इमेच्योरिटी। तो अपना सिंपल फंडा बना लीजिए, हंसिए, खेलिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, इमेच्योरिटी नहीं है ये, मेच्योर थिंकिंग है। बट अपने गोल्स पर, अपनी जो हमारा टारगेट है उस पर फोकस करना हमें बहुत जरूरी है। इन उल्टी सीधी बातों में हंसाना, जोक करना, इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए। एट अ टाइम्स ये चीजें अच्छी लगती हैं, बट अपने गोल को, अपने ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल नहीं छोड़ना। ठीक है जी, सो ये हमारी कुछ चर्चा थी हाउ टू बी मेच्योर, जो कई लोगों के दिमाग में चलता रहता है कि मेच्योर कैसे बना जाए, मेच्योर कैसे बना जाए। तो ये मेरी वीडियो आप देखेंगे मेच्योरिटी के बारे में, यू विल बी डेफिनेटली, आपकी जो ये सारी जो प्रॉब्लम्स रहती हैं वो सब आपकी दूर हो जाएंगी। ठीक है जी, चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।